So, दोस्तों आज की इस वाली वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की ये वाली वीडियो किस टॉपिक पे होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले ऑन गन ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर, जो कि आपके सारे डिवाइसेस में वर्क करेगी, फिर चाहे आप नो एंड डिवाइस में खेलते हो और चाहे आप लोग हाई एंड डिवाइस में खेलते हो। सो दोस्तों आपको बता दूँ कि दोस्तों काफ़ी सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो ना हो या फायर बटन के ऊपर वीडियो ना हो। सो दोस्तों फायर बटन के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वाली सेंसिटिविटी में खासियत ये है कि ये वाली आपकी सारी गनों में भी अप्लाई होगी, मतलब दोस्तों हम लोग किसी भी गन से खेलें, फिर चाहे वो असॉल्ट राइफल हो, एसएमजी हो या फिर कोई और गन हो, या फिर आप लोग किसी भी डिवाइस में खेलते हो 2 GB से लेकर 16 GB तक, ये वाली सेंसिटिविटी आपके सारे डिवाइसेस में भी वर्क करेगी। सो दोस्तों विदाउट वेस्ट योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ कमी मिलती है तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं, या फिर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों अपने गेम की स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइस जनरल सेंसिटिविटी को आपको दोस्तों 100 पे कर लेना है, रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी आपको दोस्तों 100 पे कर लेना है, जिससे कि दोस्तों आपकी दोनों चीज़ें एकदम स्टेबल चलें। 2x स्कोप को आप लोग 92 पे कर लीजिएगा, 4x को आप लोग 94 पे कर लीजिएगा, स्नाइपर स्कोप को दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों 60 पे, और फ्री नुक सेंसिटिविटी को आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा 55 पे। सो दोस्तों अब बात करते हैं इन सारी सेंसिटिविटी का क्या काम है। सो दोस्तों जनरल का काम ये है कि ये आपके मूवमेंट को और आपकी स्क्रीन कितनी स्पीड में मूव हो रही है ये डिसाइड करता है। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों रेड डॉट की। सो दोस्तों रेड डॉट क्या होता है, दोस्तों जब भी आप कोई रैंडम गन उठाते होंगे जिसमें स्कोप लगता होगा, सो दोस्तों जब भी उसमें कोई स्कोप नहीं लगा होता है, सो दोस्तों उसमें जो इनबिल्ट स्कोप होता है उसी को हम लोग रेड डॉट कहते हैं, और ये वाली सेंसिटिविटी आपके रेड डॉट को एकदम स्टेबल रखेगी। सो दोस्तों अब बात करते हैं 2x स्कोप, 4x स्कोप या फिर स्नाइपर स्कोप की। सो दोस्तों 2x स्कोप और 4x स्कोप तो सबको मालूम होता है क्या होता है, जब आप अपनी गन में 2x का स्कोप लगा के खेलते हैं या फिर आप लोग 4x का स्कोप लगा के खेलते हैं, सो दोस्तों आपकी गन रिक्वायर ना करे इस वजह से ये सेंसिटिविटी दी है, और जितनी मैंने आपको बताई है आप लोग उतनी सेंसिटिविटी रख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि स्नाइपर स्कोप क्या होता है। सो दोस्तों जब भी आप कोई स्नाइपर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल AWM, Kar98 या फिर M82V या फिर दोस्तों M24, सो दोस्तों उसको जब आप ओपन करते हैं सो दोस्तों एक स्कोप आता है, सो दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं स्नाइपर स्कोप। सो दोस्तों स्नाइपर स्कोप को आपको हमेशा कम पे ही रखना है, इससे दोस्तों आपको ये फ़ायदा होगा क्योंकि दोस्तों जो स्नाइपर्स होती हैं जैसे कि M82V वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती हैं। सो दोस्तों भारी होने के लिए वहाँ पर ज़्यादा भारी होगा, तो अगर आप ज़्यादा सेंसिटिविटी रख देंगे सो दोस्तों आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दोस्तों जो स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी होती है उसको हमेशा कम रखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री नुक सेंसिटिविटी की। सो दोस्तों फ्री नुक क्या होता है, सो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा जब भी आप लोग फ्री नुक की सेटिंग ऑन करते हैं सो दोस्तों आपके गेम में एक आई जैसा बन के आ जाता है। सो दोस्तों ये आई का काम ये होता है कि ये आपके गेम के 360 डिग्री कैमरा व्यू देती है, जिससे कि दोस्तों अगर आप भाग भी रहे होंगे तो आप पीछे का व्यू देख पाएंगे, और दोस्तों ये सेंसिटिविटी इसी चीज़ को कंट्रोल करती है। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑन कर दीजिएगा, और बेस्ट फायर बटन का वीडियो आपको लिंक उसका जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिएगा दोस्तों ये कमेंट करके एक प्यारा सा फीडबैक भी दोस्तों जरूर दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में कोई भी गलती ना करूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड इस चैनल पर आपको वीडियोज मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे भी इजाजत, फिर बात करेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।